चलो सब लोग आ जाओ फटाफट 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 चलिए आ जाओ फटाफट शेयर करो। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग पहले शेयर करो फटाफट फटाफट ताकि सभी बच्चे आ सके और सबको पता लगे। सर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू बेटा कुसुम चौधरी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, हाय हाय सभी को हाय। चलो शेयर करो फटाफट। क्या मेरी साउंड प्रॉपरली आ रही है आपके पास? फटाफट फटाफट ताकि सभी बच्चे। चलिए हाय 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 सभी को हाय। गुड इवनिंग प्रोफेसर पाटिल जी। ओके चलिए शेयर करो फटाफट क्योंकि आज के लेक्चर पहला लेक्चर से और मजा आना चाहिए। मजा तभी आएगा आप लोगों के शेयरिंग लाइक्स होना चाहिए बस। और बहुत ही धमाल करेंगे लेक्चर में। गुड इवनिंग लोजी सर। संकेत पाटिल लोजी बेटा। चलिए टेक माय नेम। ओके प्रनीत। जय महाराष्ट्र बेटा। लाइक करो फ्रेंड्स। कुसुम देखो चौधरी कह रहे सभी को। सर राइट ईयर में नहीं आ रही है प्रॉपर। यार ऐसा क्यों होता? अभी तो देखो दो माइक लगा के रखे, एक यहाँ एक यहाँ, राइट और लेफ्ट के दोनों लगा के रखे। मैं एक बार कोई टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा सर। क्लियर वॉइस है। ओके कैसे हो विट्ठल जी? बहुत मजे में। आप बताओ आपका हाल क्या है? और सब लोग यार आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना पड़ेगा ना। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज के लेक्चर को फटाफट फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो आज हमारा सक्सेस बैच का फिजिक्स में क्लास 11 का FYGC यूनिट एंड मेजरमेंट महत्व का चैप्टर्स है क्योंकि ये सभी चैप्टर को सपोर्ट करता है। क्योंकि हर चैप्टर में आपको SI यूनिट कोई भी क्वांटिटी का पता होना चाहिए और इसके डायमेंशन, ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप MHT CET नीट JEE जैसे कोई भी एग्जाम दे दो, हर एग्जाम में आप लोगों को SI यूनिट डायमेंशंस के ऊपर सवाल होता ही है। कोई भी पेपर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो, अगर आपको SI यूनिट या डायमेंशंस पता ना हो तो 100% आपके मार्क चले जाएंगे। तो चाहते हो सभी को कि सर मुझे SI यूनिट और डायमेंशन निकालने आना ही चाहिए हर क्वांटिटी के, तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और साथ में बेटा ये चैप्टर को आपको हर दिन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हर दिन 6 बजे हमारा लेक्चर रहता है, तो हर दिन 6 बजे अगर आप लोग प्रेजेंट रहोगे मैं श्योर गारंटी दूंगा कि आपका एक भी सवाल खाली नहीं जाने वाला। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो क्या? यस और नो? अगर तैयार हो तो एक बार फटक से थम्सअप करो यार। सर आपका चैनल का नाम क्या हुआ? हाँ बेटा चैनल आ रहा है अपना वापिस। सर जरा मराठी मध्ये बोला ना थोड़ा, तुम्ही मराठी मस्त बोलता सावन। अरे मराठी बोलायला काय यार, न बोलायला काय झालं यार बावड्यात, है ना? अरे बावड्या मराठी बोलायला न काय झालं, महाराष्ट्रात राहायचं तर मराठी बोलणारच आहे ना। चलिए सर आप सिखा यास बेटा, क्यों नहीं मारेंगे? चलो शेयर करना चाहिए। हर ग्रुप में आपका मैसेज दिखना चाहिए मुझे, हर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जहां जहां आप ग्रुप में हो सब तरफ। चलो थम्स अप करो। मुझे लगता है कि स्टार्ट किया जाए, 6 बज गए हैं तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में सक्सेस बैच में। तो 2022 के लिए बैच बनाई गई है, इसमें दिनेश सर, मुकेश सर, सोहिन सर, बालाजी सर सब लोग पढ़ा रहे। फ्री ऑफ कंटेंट होंगे, फ्री ऑफ नोट्स होंगी, हर चीज फ्री होगी, टेस्ट भी फ्री होने वाले। यूनिट एंड मेजरमेंट पहला ही चैप्टर है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पे आप लोगों को जो यूनिट एंड मेजरमेंट दिया गया है उसके बारे में। तो हम लोग पहले ही बात करते हैं, आपको करना पड़ेगी। देखो पुराने जमाने में हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी कि जैसे कि मेरे पड़ोसी है, मैं पड़ोसी की गेहूं देना है, चावल देना है, तो मैं मेरे ऐसे हाथ से देता था। सही है ना भैया? ऐसे ही देते थे हम लोग। ऐसे देने से क्या हो रहा था? झगड़े बढ़ रहे थे क्योंकि आप अपने आपका हाथ बड़ा और देने वाले का छोटा, तो बोल रहा भैया मैंने तो गेहूं तुझे इतने दिए थे, तू इतना कम क्यों दे रहा? वो बोला तूने जैसे दिए थे वैसे मैं दे रहा हूं, है ना? बहुत सारे मेजरमेंट करने में पहले ऐसे इसको हाथ बोलते, पता है ना, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ, पता है ना आपको ये गिनना है तो एक हाथ दो हाथ, तो ये भी हाथ भी कम ज्यादा रहेगा। या फीट, फीट पता है ना सभी को यार, जो फीट है, जो फीट होता है ना ये फीट कहते हैं, तो ये भी फीट छोटा बड़ा हो सकता है किसी का।
या ईद बोलते थे, ये भी छोटा बड़ा हो सकता था। तो ऐसे टाइम पे बेटा हम लोगों को एक चीज की जरूरत पड़ी और उसका नाम था यूनिट, जो स्टैंडर्ड हो, जो स्टैंडर्ड हो हर जगह पे, हर समय पे इक्वल हो। एक फीट 12 इंच का होता है ना, पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये सभी चीजें बेटा सब तरफ कॉन्स्टेंट होने के लिए एक चैप्टर आया और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है फटाक से लिखना है कमेंट बॉक्स में कि हां सर ये पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, जल्दी से बताना है आप लोगों को, फटाफट बताओ, मैं राह देख रहा हूं यहां पे। चलिए फटाफट फटाफट बताना है आप लोगों को, कौन सा है? सर मैथ और फिजिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट है सर। ओ तृप्ति, वेरी गुड बेटा, नाम बताओ, नाम नाम बताना है कॉमेंट बॉक्स में। चलिए फटाक से मैं पढ़ पा रहा हूं यहां पर, जो बच्चे आंसर देंगे देखते हैं अभी। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब यूनिट्स भी क्या चीज होती है और इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम लोगों को डिस्कस करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट। वेरी गुड बेटा, वाह 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 वाह, सबका आंसर बराबर है यार। चलो आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले यूनिट, ये जो नाम सुनते हैं लेकिन इसकी प्रॉपर डिफाइंड क्या है सर? इस प्रॉपर डिफाइंड को अगर हम लोगों को पता लगे तो बहुत मजा आएगा, आएगा कि नहीं मजा? तो बेटा ये जो यूनिट है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है बेटा, देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जो कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज किया गया है। क्या किया गया है? स्टैंडर्ड यूज किया गया है। मास के लिए क्या स्टैंडर्ड है बता सकते हैं मुझे? मास के लिए क्या स्टैंडर्ड है? सर आप रोज 6 बजे लेक्चर लेते हो क्या? हाँ बेटा प्रीति, मास के लिए बताना आपको, मास के लिए, लेंथ के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने वाले आप लोग? देखो डिफाइन क्या बताया मैंने, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे कि बाजार में चले गए 2 किलो पोटैटो दे दो, है ना, मुझे बताओ अगर ओनली नंबर रहता तो 2, तो बोलेगा यार ये 2 क्या मांग रहा है बंदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है, पोटैटो मांगना है तो। वेरी गुड केजी, वेरी गुड तानसाब यार, बराबर यार, सबका बराबर, यस, ये सक्सेस बैच के स्टूडेंट है, गर्व करता हूं ऐसे स्टूडेंट पे। तो आपको 2 kg पोटैटो दे दो ऐसा बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं? मतलब अगर आप लोगों को दुकान पे गए, है ना, आपको अगर दूध मांगना है तो क्या बोलेंगे? 2 लीटर दूध दे दो। लीटर ये आपका स्टैंडर्ड हो गया बेटा, वो यूनिट है। मतलब आपको अभी क्या भी डिफाइन याद करनी है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। लिखो बोलो, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड दिया गया है, एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है। जैसे कि मेरा नाम है मुकेश सर, आपका नाम है गौरी, किसी का नाम योगेश, है ना, तो एक स्टैंडर्ड दिया गया बेटा, तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स कहने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, गॉट इट बेटा। ये जो है, ये यूनिट कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। क्या प्रॉपर्टीज है इस यूनिट की, क्या प्रॉपर्टीज है? सर मास का केजी, लेंथ, ये वेरी गुड बेटा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो यार, चलो चलो चलो। देखो सबसे पहले इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मुझे बताओ अगर मेरे पास मास है, 1 kg का माप है, वो कहीं भी इजीली अवेलेबल होता है? ऐसा नहीं है कि सर 1 kg मेरा घूम गया अब मिल रहा ही नहीं है, नहीं, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों का अगर 1 kg किसी ने दुकान से चोरी कर लिया तो आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो कि नहीं? 1/2 kg का माप चोरी गया, इजीली अवेलेबल कर सकते? सर मेरी स्केल घूम गई है, तो चलो अमेरिका, किस लिए? स्केल लाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना, इजीली अवेलेबल होती है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, कहीं पे भी, कोई भी दुकान पे जाओ कहीं भी मिल जाएगी। दुकान मतलब अरे स्केल के दुकान पे ही जाना पड़ेगा, जनरल स्टोर पे ही जाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो बोलेंगे सर हम कपड़े पे दुकान पे गए थे हम लोगों को स्केल नहीं मिली, उनको बोला हमने नहीं, जिस दुकान पे जाना है वही मिलने वाली है सर, नहीं तो आपने तो बोला था कहीं पे भी जाओ मिल जाएगी। ऐसा नहीं सर हम खेती में गए थे हमको नहीं कहा स्केल मांगी मिली नहीं है ना? ओके सर थोड़ा राइट साइड का दिख नहीं रहा है, राइट साइड का दिख नहीं रहा है,
दिख रहा है ना बेटा, पूरा दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ यहाँ से, दिख रहा हूँ अमेरिका। तृप्ति, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है ना। ओके नहीं बेटा, इट शुड बी इन वेरिएबल, ये बदलता नहीं है। आप लोगों को सबको पता है कि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। क्या भारत में 1 kg मतलब 1000 ग्राम, जापान में गए तो 2000 ग्राम नहीं होता है। इन वेरिएबल बेटा, कहीं पे भी जाओ 1 kg आपको 1000 ग्राम ही मिलेगा 1 kg का। अमेरिका जाओ, थाईलैंड जाओ, नेपाल जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाबा अफगानिस्तान का नाम मतलब सर डर लगता है हम लोगों को। ओके डर लगता है कि नहीं सर? फिजिक्स की दिन किस दिन है बेटा? रोज रेगुलर है। खाली कल फेस्टिवल था, दशहरा था ना, दशहरे की सभी को हार्दिक शुभेच्छा मेरे तरफ से भैया, आपको, आपके मम्मी पापा, गांव वाले को, भाई को बोल देना, अड़ोसी पड़ोसी चेजारी पाजारी आजारी, कोई जानी दुश्मन दुश्मन होगा सबको बोल देना मेरे तरफ से। ओके ओके अमेरिका चलो सर, ओके ओके चलो चलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहां पे, तो 1 kg अगर आपको पता है कि 1 meter क्या होता है, 100 centimeter, तो वो कहीं जाओ आपको 100 centimeter ही मिलेगा, कहीं जाओ 100 centimeter मिलेगा। मतलब इन वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा है? इट शुड बी इन वेरिएबल, मतलब बेटा वो कभी चेंज नहीं होता। मॉर्निंग में भी टाइम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉर्निंग में भी 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, आफ्टरनून में भी वही रहेगा और शाम के टाइम पे भी वही रहने वाला है, सोते समय भी वही रहने वाला है। मतलब प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होता और टाइम टू टाइम भी ये क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट शुड बी इन वेरिएबल, ये कभी चेंज नहीं होती है। गॉट इट? इट शुड बी इनवर्सली एक्सपेक्टेड, मतलब बेटा ये दुनिया को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर हमने 1 kg सोना दिया था अमेरिकों को, तो अमेरिका ने बोला कि नहीं नहीं 1 kg नहीं, आधा केजी है। मतलब मैंने 1 kg मतलब 1000 ग्राम बोला, उन्होंने बोला नहीं कि हमारे इधर 1 kg जो है ना वो 2000 ग्राम होती है। नहीं बेटा, ये यूनिवर्सली सबको एक कॉन्फ्रेंस 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी पेरिस में, तब SI यूनिट निकाले थे, उसकी बात हम लोगों को आज के लेक्चर में भी करनी है। Got it? मतलब ये यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड है बेटा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि 1 kg माप चला गया तो क्या दोबारा उसको बना नहीं सकते? बना सकते, और बनाने के लिए मशीन है हमारे पास। एक स्केल गुम गई सर, अब दोबारा प्रोड्यूस कर सकते? क्या कर सकते? रिप्रोड्यूसिबल है भैया यू क्वांटिटी, ठीक है। और ये नॉट प्रिशिबल, मतलब बेटा ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ओके ये 4 quantity आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इनवेरिएबल, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड है, और इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल है। 4 quantity अभी के अभी इसकी प्रॉपर्टीज सबको करनी है। बोलो 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 बोलो, चलो लिखो अभी के अभी बोलो, सब लोग बोलेंगे 4 quantities है। देखो अभी भी 104 बच्चे आ गए और लाइक कितने 57। यार भगवान बचा ले रे बावड़िया, अरे कर बाबा फुकट से कर ले ठोकले भैया लाइक। अरे लाइक ठोकने में क्या जा रहा है भैया? सर संडे को भी क्लास होगा ना, देखते बेटा अगर बच्चों का सर आई ऑल्सो लाइन पड़ेगा अलका गाड़े अब पड़ेगा उसे। ओ मैं भी वही रहता हूं बेटा, मिट मिटा कॉल करो बाद में। ओके थोड़ा फास्ट पढ़ाओना। नहीं बेटा ज्यादा फास्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आता, पूरा लूंगा टेंशन मत लेना। चलिए आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं फटाक से, स्क्रीनशॉट निकालो और अभी के अभी प्रॉपर्टीज याद करनी है। आगे बढ़ता हूं, देखो यहां पे सबसे मेन एक बात ध्यान रखनी मुझे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ना, उसके बाद में यह सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है सर क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को डिटेल में चर्चा करनी है। ओके तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में आप लोगों को 2 types होते हैं। एक तो होते हैं बेटा फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम्स ऑफ यूनिट बेटा एक सेट, मैं इसकी भी कहानी बताने वाला हूं कि फंडामेंटल और डिराइव क्या होते हैं, लेकिन इसका सेट बनाओ, एक सेट बनाओ किसका किसका, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स का, उसको सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहा जाता है। एक सेट बनाना है फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट का, है ना, सेट सेट बना ना, एक
बुक्स का सेट बनाओ, बोलते ना हम लोग एक सेट बनाते, वैसे सिस्टम्स ऑफ यूनिट दो कैटेगरी में बांट दिया है हम लोगों ने। एक नंबर वन है बेटा फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड, इनका एक सेट बना के हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट बनाने वाले। क्या बनाने वाले? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बेटा उसके बाद में क्या हुआ, एक गॉस नाम के साइंटिस्ट आ गए 1832 में। उन्होंने बेसिकली तीन क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस किया है। कितने? तीन। कौन से बेटा? पहली थी एक लेंथ, दूसरी थी मास और तीसरा था टाइम बेटा। क्योंकि बेटा पहले जमाने में इन क्वांटिटी को ज्यादा महत्व दिया गया था। कौन कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। इसी से सीजीएस, एसआई, सॉरी सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, इन तीन क्वांटिटी को हम लोग बात करने वाले हैं, उसकी कैटेगरीज करने वाले हैं। तो डिफाइन होगी आपकी सबकी, डिफाइन होगी क्या? सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है? सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट का कॉम्बिनेशन बेटा, उसको सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहते हैं। सेट किसका? फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट का सेट है, इसको कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए देखो यहां पे आपके सामने मैं कुछ क्वांटिटी दे रहा हूं जो कि हम लोगों को तीन कैटेगरीज में बांटना है। एक है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस मीन क्या बेटा? सी फॉर स्टैंड सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। इसके लिए बना है देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सिस्टम है। एमकेएस मीन क्या बेटा? मीटर के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकंड। और एफपीएस क्या बेटा? फुट, पाउंड, सेकंड। ये एक्चुअल में देखो सेंटीमीटर पहला जो लेंथ गिनने के लिए काम आता है, दूसरा जो मास है और तीसरा सेकंड। ये क्या हो रहा है? अलग अलग एक यूनिट से बेटा, ये बाकी कुछ नहीं। मतलब भारत में, इंडिया में कुछ और था गिनने का मेजरमेंट, पाकिस्तान में गए तो आर, अफगानिस्तान में गए तो आर, अमेरिका में गया तो आर, है ना, यूएसए में, मतलब हर जगह पे अलग अलग ये यूनिट थे, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। अलग बढ़ता बेटा आगे देखो, द सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम वी आर ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स सिस्टम कहते। और एफपीएस जो बेटा ये ब्रिटिश, आपके घर पे आपके पापा को पूछना है घर पे आने के बाद, क्या अपन जो घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कितना स्क्वेयर फुट है? मतलब भैया अंग्रेज लोग तो चले गए लेकिन अभी भी हम लोग स्क्वायर मीटर इसमें ही फ्लैट फ्लॉट गिनते हैं। मतलब प्लॉट गिनने का जो मेजरमेंट है कितने स्क्वायर फुट है। हाँ ऑफिशियली नहीं गिनते उसमें, तो मीटर में गिनते हैं। अगर आप लोग महानगर पालिका में अपना एरिया निकालने के लिए गए तो वहां पर आपको किसमें मिलता है? तो वो आपको एसआई यूनिट में मिलता है। लेकिन हमारे घरों में अभी भी हम लोग जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो कितने फुट प्लॉट है आपका? हम बोलते 40 बाय 50, मतलब 40 है फ्रंट, 50 ऐसा, तो 2000 स्क्वायर फुट है। देखो घर पे पूछ के देखो। मतलब भाई फिलहाल में हमारे घर में भी साले इंग्लिश लोग आके हमारे ऊपर राज्य करके चले गए लेकिन अभी भी हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे। क्या यार जमाना यार, अच्छा नहीं, ये बुरी बात है। तो ये एफपीएस जो है फुट पाउंड सेकंड, मैं जब छोटा था तब पाउंड में कापूस, जो कपास होती ना, कॉटन होता, खेती में आता है तो उसको गिनते थे सेकंड, ठीक है। लेकिन ये जो है ये ब्रिटिश यूनिट है। कौन सी? ब्रिटिश यूनिट है बेटा। और ये जो है ये मैट्रिक्स सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, पता होना चाहिए। क्या करेंगे कैसे यार, अरे रे भगवान उठा ले रे बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बाद में क्या हुआ, ये सब अलग अलग कंट्री का अलग अलग यूनिट, हर कंट्री का अलग अलग यूनिट। तो क्या होता था, जो साइंटिस्ट लोग हैं एक दूसरे को डेटा भेजते थे और जब एक्सचेंज होने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे कि भैया तूने डेटा भेजा है लेकिन क्या यार समझ नहीं आ रहा, इसका यूनिट क्या है ये समझ नहीं आ रहा। अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, है ना, इंग्लैंड वाले, कोई रशिया वाले, जापान वाले, जर्मनी वाले, हर डेटा साइंटिस्ट भेजता था, सब कंफ्यूजन कंफ्यूजन। वो कन्वर्ट करने में ही हमारे दिन चले जाते। बाद में क्या हुआ कि यार सभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि सब साइंटिस्ट लोग इकट्ठा करेंगे। जैसे इकट्ठा करने के बाद 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगी पेरिस में। कौन से कंट्री में? पेरिस। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और उस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया कि ये यूनिट सब
हमारे जितने भी वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है सबको कबूल होना चाहिए कि यार हाथ मास 1 kg मतलब 1000 ग्राम, सबको 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब सब तरफ उसको कॉमन किया गया। और ये 1972 में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इसमें नाम दिया गया है SI यूनिट, उसको सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, मतलब वो सभी कंट्री को ये कबूल थे कि हाँ यार कि यहाँ पे हमारे जो यूनिट्स है इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बहुत सारा डेटा मिसमैच हो रहा है, तो इसलिए सभी लोगों ने ये जो है ये फिक्स किया गया है। ठीक है, अरे उषा आप 4 PM को केमिस्ट्री होता है, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दे रहे हो, क्यों बेटा ले लो, चलो किसको चाहिए थी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, किसी ने बोला है चलो मैं हट जाता हूं यहां से, दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो बाबा। अरे बाबा ये नहीं रे बाबा, ये था रे बाबा, ये था, सॉरी 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 शक्तिमान, ले लो भैया मैं इधर से खड़े रहूंगा क्योंकि आपका ये ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ये, ले रहे क्या आप लोग, बढ़ना आगे, चलिए आगे बढ़ता हूं। उसके बाद में हम लोगों को देखना है भैया कि यहां पे हाँ, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है, इसकी यूनिट क्या है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है पहले समझ लो, पहले सबसे पहले समझना है आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी, तो डेफिनेशन देखने ही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटी क्या है, देखो जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, मींस दोस क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, सिंपल लैंग्वेज में बता दो आपको, इस क्वांटिटी का ओरिजिनल कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्या सर क्या क्या क्या, इस क्वांटिटी का किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का ओरिजिनल कोई फार्मूला नहीं है, हाँ बना सकते हैं हम लोग लेकिन ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि लेंथ मास टाइम टेम्परेचर है ना, करंट इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्वांटिटीज है कि इनका ओरिजिनल में कोई फार्मूला बनता नहीं है। क्या बोल रहा हूं मेरे साथ बोलना, देखो बच्चों अगर आप लोग यहीं के यहीं करोगे तो शायद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। हाँ सर बताओ, देखो मैंने क्या बोला, द फिजिकल क्वांटिटी है विच डज नॉट डिपेंड ऑन ए अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, मतलब ये क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, दोस क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती। एग्जाम्पल लेंथ मास टाइम करंट इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके एग्जाम्पल है भाई साहब। ओके, अरे कुछ खोपड़ी में जा रहा है सर, आप PDF बनाकर भेज देना। हाँ बेटा, बट सर PDF भेजेंगे तो आप सक्सेस बैच में टेलीग्राम पे। ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या? ओके नेक्स्ट बेटा, इसकी ये होगी क्वांटिटी, अब हमको इसका यूनिट क्या होगा बेटा, ये क्वांटिटी को मेजर करने में, ये क्वांटिटी कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट लगेगा उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। ओके, क्या बोला, क्या बोला सर, क्या बोला, देखो यूनिट यूज टू मेजर, यूनिट टू है ना, यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, अभी देखा हमने लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सर बहुत गड़बड़ हो रही है, आराम से बोलो, बोलता हूं लेंथ मास टाइम है ना टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लगने वाले यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि सर हमारे पास यहां पे लेंथ के लिए मीटर लग रहा है, मास के लिए किलोग्राम लगेगा, ये यूनिट है इसका, टाइम के लिए सेकंड लगेगा, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए बेटा एम्पियर, इंटेंसिटी के लिए कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये यूनिट्स उसके है।
समझ में आ रहा है? समझ में आया तो थम्स अप करो यार, समझ में आया तो थम्स अप करो। अरे सर ट्रिक टू रिमेंबर द फंडामेंटल यूनिट्स, बताता हूं सब बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। थम्स अप करना है, सम डाउट वेयर टू आस्क। बेटा प्राची बोलो ना, क्या लाउडी क्या प्रॉब्लम है बताओ आपकी? प्राची बताओ आप। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, जिनको स्क्रीनशॉट लगानी है लगा दो भैया, चिपका दो, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो। ओके ऑल इज वेल, चलो बढ़ना है ये। यस वेरी गुड, क्या मेरे स्टूडेंट यार सब थम्स अप, वाह 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 वाह, क्या है सर 2023 जेई टाइम टेबल सर तुम, वेरी गुड। चलिए बढ़ना आगे, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां पे नेक्स्ट है हमारे लिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये लीजिए। बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि सर क्या हम लोग यहां पे इस क्वांटिटी को याद कैसे रखें? अरे हमारे फंडामेंटल 7 क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री, जैसे कि हम लोग पेपर लिखते आंसर की लिखते होंगे ना आप लोग, है ना? तो पेपर लिखते बाद में सप्लीमेंट लेते अगर ज्यादा पेपर हुआ तो, है ना, ज्यादा लिखना है तो, वैसे 2 सप्लीमेंट मैं बात करने वाला हूं। देखो लेंथ के लिए मीटर, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखा जाता है बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यहां पे बात करते हैं सबसे पहले लेंथ के लिए मीटर। बेटा मीटर लिखते समय सिंबॉलिकली यम लिखा जाता है, मास किलोग्राम लेकिन केजी लिखा जाता है, टाइम के लिए सेकंड्स यस लिखा जाता है, टेम्परेचर केल्विन के लिखा जाता है। इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, एम्पियर ल्यूमिनेसेंट कैंडला सीडी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देखो यूनिट तो सबको पता है यार, आप लोग दुकान पे जाते हो कपड़ा लेना है तो केजी में लेते हो क्या? हा? कपड़ा लेना है सर हम लोगों को, कितना कपड़ा लेना है भैया, है ना? क्या बोल सकते हैं क्या कि सर हम लोगों को सेकंड में कपड़ा लेना है? नहीं ना, आप तो कपड़ा लेना है तो मीटर में बोलोगे। दुकान पे गए, अगर आप लोग बाजार में चले गए, है ना, सब्जी लेने के लिए, क्या क्या बोलते हो? 1 kg पटाटे दे दो, 2 kg, है ना, प्याज दे दो, यही बोलते होंगे। तो ये सबको पता, लेकिन इसको याद कैसे रखे? बेटा मैं थोड़ा सा ट्रिक्स बताता हूं। देखो TTM, अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं, TTM कॉल, अलग मार्कर से भी लिख रहा हूं जानबूझकर, TTM कॉल। सर TTM कॉल क्या? तेरा तू मेरा मैं करके कॉल करेंगे मुकेश सर को। अरे TTM पता होगा ना, पार्टी करते ना बच्चे, बोलते ना TTM करके पार्टी बनाएंगे, है ना, TTM करके पार्टी, मतलब तेरा तू मेरा मैं, मतलब जिसका पैसा उसने ही देना है, 1000 रुपए खर्चा हो गए, 10 बच्चे तो 100-100 रुपए कलेक्ट करना है ना, ऐसे रहता ना TTM। आप लोग ने सुना होगा ना, सुना है ना TTM क्या होता है? ओके सर इसका एक्सरसाइज पूरा लो लो प्लीज। ओके सर प्लीज एक्सप्लेन द मोर, सॉल्व करना है क्या सम ऑफ दिस लेसन ओनली, करता हूं बेटा सब करता हूं। तो देखो TTM करके मतलब तेरा तू मेरा मैं करके कॉल, कॉल करना है मुझे, कॉल करना, कॉल बोलते हैं ना कॉल। टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर, या जो भी टाइम मानना है तो टाइम मान सकते हैं, ये टी का मतलब टेम्परेचर। देखो यम का मतलब होता है मास, ठीक है ना, सी मतलब क्या बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ए मतलब क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यल मतलब क्या है लेंथ है, लेंथ है, और ये का मतलब, यल का मतलब बेटा ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। देखो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो दिया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी याद रखने का तरीका है TTM। सर टेलीग्राम पे डालू क्या क्वेश्चंस? सर नोट्स पीडीएफ ग्रुप, अरे करता हूं ना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो, हाँ सब कुछ डालता हूं, पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए बिना पढ़े कैसे चलने वाला भाई साहब। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाई साहब, तो ये याद रखने का तरीका। उसके बाद में बेटा सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स है वो 2 यूनिट्स है, एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम लोग गिनते नहीं है, गलती से अगर हम लोग इंजीनियर हो गए, गलती से सर होना है हम लोगों को, गलती से अगर इंजीनियर हो गए तो सॉलिड एंगल का मतलब आपको समझ में आएगा, हम लोग फिलहाल में इस्तेमाल नहीं करते।
प्लेन एंगल मतलब यहाँ पे देखो आपकी बुक्स प्लेन है कि नहीं, प्लेन आप लोग नोटबुक पे भी लिखते हो तो प्लेन है, उस पर ही एंगल गिनते हैं आप लोग। सॉलिड एंगल मतलब अंदर जाके कोई चीज गिनते नहीं आप लोग, और इसका कोई लेना देना फिलहाल में तो नहीं है। प्लेन एंगल का जो यूनिट है बेटा, प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। क्या बेटा? ये रेडियन या रैड लिखते हैं हम लोग, आर ए डी, रेडियन यूनिट है। प्लेन एंगल, एंगल का जो फॉर्मूला है बेटा वो है आर्क लेंथ। कैसे लिखते हो? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस समझ में आ गया? एक्चुअल में लेंथ भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होता है तो रेडियन होता है। तो इसका मतलब आपको मैं बाद में समझाने वाला हूं कि हम लोग जब भी एंगल का डायमेंशन लिखना है तो हम लोग वहां पे डायमेंशन नहीं लिखने वाले हैं। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में थीटा का मतलब क्या है, आर्क लेंथ मतलब गोल कोई चीज घूम रही है आर्क, ये है ना, डिवाइड बाय रेडियस, इसका रेडियस क्या है वो देखना है। तो इस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। सिंपल पार्ट से ये कि याद रखने के लिए टीटीएम कॉल याद रखो, आप फटाक से कोई भी चीज बता पाने वाले हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाई साहब। नेक्स्ट देखने वाले बेटा डिराइव क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है? तो डिराइव क्वांटिटी के लिए बात करते हैं, डिराइव क्वांटिटी कौन सी है और इसके डेफिनेशन क्या है। अब ये डिराइव क्वांटिटी क्या है, तो ये किसी के ऊपर निर्भर रहती बेटा, किसी के ऊपर डिपेंड रहती है। टीटीएम कॉल क्या है सर? टेम्परेचर, टाइम, मास, सी मतलब करंट, ए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एल मतलब लेंथ, और एल मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो टेबल में 7 क्वांटिटी है उसको याद रखने का तरीका भी याद। सर फर्स्ट टर्म एग्जाम में 25 अक्टूबर से फुल सिलेबस सिखाओ। बिल्कुल बेटा, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लो प्लीज। थोड़ा सा इधर रखना चाहिए, है ना? यस 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 सर। आधा कट रहा है, आधा नहीं कट रहा बेटा, थोड़ा सा कट रहा है, मैं करता हूँ बेटा इसके बाद में। ओके, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी यार। और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे, बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोगों को लाइक मांगना पड़ता है। क्या करें, भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा। चलिए, तू 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 माजा मी। ओके, न्यूमेरिकल नहीं आते क्या? प्लीज रिप्लाई में आते बेटा, पढ़ाओ, पढ़ाने तो दो, पूरा समझा सर। अगर समझ में आ रहा है तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब डिराइव क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। आई विल रिपीट, ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है, उसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिपेंड होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी अदर देन द फंडामेंटल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल, एक या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी डिपेंड होती है उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव क्वांटिटी समझ में आ रहा है? और इसका फार्मूला होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसका फार्मूला होता है बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कौन सी क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, फोर्स का फार्मूला आपने हमेशा पढ़ा हो, उम्मीद करता हूं कि फोर्स का फार्मूला आपने सीखा हो। यम ए, देखो मास ये फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिपेंड बेटा, ठीक है? उसके बाद में स्पीड, स्पीड मतलब वी, वी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ ये फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इससे हमारी वी क्वांटिटी बन गई है, यहां पे स्पीड बना है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम क्या है बेटा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्या बेटा, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंट डिराइव यूनिट्स। तो देखो, द यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी, जो डिराइव क्वांटिटी है उसका जब यूनिट निकालते हैं उसको कहते हैं डिराइव यूनिट्स, है ना? या दोस क्वांटिटी, या इसमें द यूनिट यूज्ड टू मेजर, द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटी, मतलब डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने में जो यूनिट लगता है उसको क्या कहा जाता है, कौन सी? डिराइव यूनिट्स।
अरे बावड्यांनो समजते कर बाबा, अरे बावड्यांनो ताईडींनो समजायला लागलं का क्या हमें हा मिला रे है, हाऊ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सर प्लीज रिप्लाय. अरे अभिषेक राठोड आधी शिकू दे मगच तुला कळलं न्यूमेरिकल कसे सॉल्व करायचे, तुझं तर भलतच चालू आहे बाबा कि सर मला आधीच सांगा. अरे मला चॅप्टर तर शिकू दे ना मग बघ ना तुला न्यूमेरिकल जमतात का नाही. हा सर पूरा एक्सरसाइज करके दो, पूरा करके देता हूं, डोंट वरी यार डोंट वरी, पूरा करके दूने वाला हूं मैं. ओके इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक ही बेटा पूरा ब्लैक इसलिए नहीं दिखता कि यहां पे लाइट है, लाइटिंग के कारण भी ब्लैक का कलर थोड़ा सा. चलो तो यहां पे ये दोनों होगी. अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन है बच्चों, डेंसिटी का क्या है केजी मीटर स्क्वायर क्यूब है बेटा, क्योंकि डेंसिटी का मास पर यूनिट वैल्यू में, तो मास का यूनिट होगा केजी. यहां पे लिखा था ये लेंथ, लेंथ है बी मतलब ब्रीथ है, लेंथ है ये भी लेंथ है, तो मीटर क्यूब है बेटा समझे क्या, केजी मीटर क्यूब है. उसके बाद में स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किसमें गिनते हैं मीटर और टाइम सेकंड में, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए. नोट भेजो पीडीएफ सर. ओके थैंक्स. चलिए बोर्ड आधा है सर, अरे आधा नहीं यार पूरा बोर्ड है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ना है आगे. स्क्रीनशॉट निकालो इसकी फटाक से स्क्रीनशॉट निकालनी, मैं थोड़ा सा बाजू में हटता हूं, देखो आप निकाल सकते हो आराम से. यस चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं. देखो ये जो यूनिट यूज करना है बेटा उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंस है आपके लिए. ये जो यूनिट यूज करना है सर, फार्मूला बुक्स कैसे बनाए प्लीज आप सारे फार्मूले की पीडीएफ सेंड करो. ओके आई गॉट इट सर. सर अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये कट है. यस ज्यादा नहीं है, मैं करता हूं उसके उसके बाद में. ठीक है आप देखते बेटा सम कन्वेंशन टू फॉलो द वाइल्ड राइडिंग. बेटा हम लोग जब एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन प्रिसाइजली लिखना पड़ेंगे आपको. मन में आ गया और लिख दिया ऐसे नहीं करना है, मन में आ गया और लिखना ऐसे करना बिल्कुल नहीं है. तो इसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि कंडीशन कौन कौन सी है और कैसे यूज की जाती है. देखो एसआई यूनिट गिवन बिलो, फुल नेम अगर साइंटिस्ट का हो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. देखो फुल नेम आप यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन द नेम आफ्टर द पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन हो जैसे न्यूटन साहब है उनका अगर आपको फुल नेम लिखना है यूनिट में, जैसे कि आपने कह दिया कि सर 25 न्यूटन लिखना है तो ऐसे लिखोगे स्मॉल लेटर, पूरा नाम लिखना है तो फोर्स 25 न्यूटन लिखना है तो उनके नाम के पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए. जैसे जूल है तो स्मॉल जे इस्तेमाल करेंगे. समझ में आ रहा है आपको, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो ठीक है तो स्मॉल लेटर से लिखना है. तो ऐसे नहीं लिखना गलती से न्यूटन न्यूटियन, नहीं ऐसे नहीं लिखे न्यूटन नहीं लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एन लिखेंगे क्या, कैपिटल जे लिखेंगे क्या, मतलब फुल नेम अगर कोई भी साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो पूरे नाम लिखना है तो उनका पहला जो स्पेलिंग मतलब जो पहला अल्फाबेट होगा वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए. चलो कमेंट में लिखो कौन सा स्मॉल लेटर, लिखो लिखो, अरे स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, लिखो कमेंट में लिखना है. कैसे, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम हो तो उसका पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नॉट अलाउ. ये रूल्स बनाए गए हैं यूनिट बनाते समय. नंबर वन. नंबर दो, सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर द पर्सन बी कैपिटल लेटर, बट अगर आपको ओनली उसका सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए. मतलब फोर्स आपको 25 न्यूटन लिखना था तो 25 एन लिखना है न्यूटन ऐसे, या आपको एनर्जी लिखनी है तो 10 जूल कैपिटल जे इस्तेमाल करना चाहिए. कभी भी अगर उनका सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे मत लिखना एफ इज इक्वल टू 25 स्मॉल एन, नहीं बेटा ये रॉन्ग होगा.
और ये जो लिख रहे हैं आप लोग ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन बेटा अगर आप लोग स्मॉल लेटर इस्तेमाल करोगे सिंबल में तो वो गलत होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर ओनली सिंबल इस्तेमाल करना है तो कैपिटल लेटर, कौन सा कैपिटल लेटर, कौन सा लेटर कैपिटल लेटर, कौन सा कैपिटल लेटर बोलो, ये इंपॉर्टेंस है बेटा। बच्चे छोटे छोटे गलती करके हमारे नंबर चले जाते हैं, ये प्रूफ है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपको ये कि 25 न्यूटन ये देते 25 स्मॉल न्यूटन, नहीं बेटा गलत हो जाएगा, मार्क चले जाएंगे। तो ये दोनों चीज समझो, पूरा नाम लिखना है तो पहला अक्षर उसका स्मॉल लेटर होना चाहिए, बाकी के भी स्मॉल ही होना चाहिए है ना, और ओनली सिंबल इस्तेमाल करना है तब बेटा आपको कैपिटल में लिखना। चलो इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके कैपिटल लेटर, यस नमस्कार सर मुकेश सर, ओके नमस्कार भैया, अरे बावड्यांनो सगळ्यांनाच नमस्कार आहे, तुम्हाला नाही सगळ्यांनाच आहे, तुमच्या घरच्यांना दारच्यांना सगळ्यांना नमस्कार। चला चलो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ लो भैया बढ़ लो। देखो सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स रिटन इन अ स्मॉल लेटर, अदर अगर रहे तो स्मॉल लेटर में। देखो साइंटिस्ट का नाम रहा तो कैपिटल लेटर, साइंटिस्ट के नेम रहा तो, लेकिन अदर जैसे मीटर किलोग्राम नाम सुना है ना, सेकंड एम्पियर नाम सुना है ना भैया, तो उनके लेटर स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एम मतलब मीटर, स्मॉल यस फॉर सेकंड एक्सेट्रा, ठीक है। उसको सिंबल ऑफ यूनिट नॉट एक्सप्रेस इन प्यूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस नॉट बी एक्सप्रेस इन प्यूरल फॉर्म। बच्चे लिखते हैं ऐसे कभी कभी याद होती थी, मीटर्स क्या भैया, मीटर्स क्या है, अरे मीटर्स क्या है अरे मीटर ही लिखना है, मतलब 25 मीटर्स कितने टाइम है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा क्या, हा 25 मीटर्स मतलब 25 मीटर 25 मीटर ऐसे, सर बहुत बार है, प्यूरल फॉर्म में क्यों लिख रहे, एक ही टाइम है ना भैया, मैंने बोला कि यार मेरी हाइट कितनी है तो मैं बोलूंगा 175 मीटर, हाँ सर इतनी होते सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर में फर्क जानो, हाँ है ना 172 सेंटीमीटर है, समझे ना सर, आपकी इस रूम की साइज कितनी है ऐसी, इस ये साइज कितनी है, तो मैं लिख दूंगा भैया 2.5 मीटर है। मीटर्स मत लिखना, यस मत लिखना, और कैपिटल एम भी मत लिखना, पता है ना आपको अदर यूनिट का मीटर ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जूम 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 मोबाइल की तरह है ना सर, जूम इन करो मोबाइल की तरह, चलो नहीं बेटा ये जूम नहीं होता मेरे ख्याल से, ठीक है समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? अरे बाबा उड़ी बाबा, ये क्या हुआ रे बाबा, अरे बाबा करने गया, एक हो जाता है एक, पहला ये कट हो रहा है इसमें ये आ गया, अरे बाबा। चलिए समझ में आ रहा है आपको, ओके हाँ ओके, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद में बात करते बेटा, फुल स्टॉप एनी अदर फ्लक्चुएशंस मार्क्स शुड बी नॉट बी रिटन आफ्टर द सिंबल, एग्जांपल किलोग्राम है तो किलोग्राम डॉट मत देना, न्यूटन है तो न्यूटन डॉट या डबल ऐसा मत करना, अरे बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, अपना सिंबल कहाँ गया रे बाबा, उड़ी बाबा पेन नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना है सबसे मेन, किलोग्राम को किलोग्राम, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमे में मत डालो, कभी कभी किसी को आदत होती है ऊपर कुछ लिखने की, कभी किसी को कुछ भी लिखने के बाद डॉट देने की आदत होती है, डॉट भी मत देना, मतलब अदर सिंबल यूज नहीं होना चाहिए जहां हम लोग एसआई यूनिट पढ़ते हैं। यस रोहन नमस्कार बेटा नमस्कार, ओके देखो जेडब्ल्यू दो आपकी मर्जी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं। कन्वर्जन आते हैं क्या? हाँ आता है बेटा, आपको कन्वर्जन आना चाहिए एसआई टू सीजीएस यूनिट, मैं बताने वाला हूं। हाँ नक्की पाठो तो बेटा, पीडीएफ पाठो तो सर प्लीज, बुक के न्यूमेरिकल भी लीजिए, हाँ उषा लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कौन कौन से, आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक बार मैं रिविजन करूंगा सबके साथ और बताना है आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ा है सर आपने, है ना, क्या क्या लिया आपने। चलिए तो यहां पे ये चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा,
कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या लिया था मैंने आज। चलिए पहले, सबसे पहले यूनिट क्या है बेटा, यूनिट क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए लगता है, उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट की क्या प्रॉपर्टीज है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल होती है, इट शुड बी इनवेरेबल, कहीं बदलता नहीं है, टाइम और प्लेस के साथ नहीं बदलता है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होता है, कहीं पे भी मिलता है ना, और ब्रह्मांड में सबको मतलब मानना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया, अमेरिकी ने नहीं माना, जापान ने नहीं माना, चीन ने नहीं माना, नहीं, सबको मानना पड़ता है। चार यहां पे हमारी क्वांटिटीज थी। नेक्स्ट बेटा सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट के दो टाइप्स है, एक तो फंडामेंटल और डिरे यूनिट्स। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिरे यूनिट इज कॉल्ड एट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इनका सेट बनता है ठीक है। उसके बाद में बेटा हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट में तीन टाइप्स होते कैटेगरी, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में लेंथ, छोटा यूनिट होता है। ग्राम, जैसे कि सोना लेते हो तब ग्राम में गिनते हो, किलो केजी में नहीं गिनोगे, नहीं तो दुकानदार बोलेगा भैया एक केजी लेने वाला बहुत ही मतलब बहुत अमीर होगा। सेकंड एमकेएस मतलब बेटा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड ठीक है। ये सीजीएस और एमकेएस मैट्रिक सिस्टम है, और एफपीएस ब्रिटिश लोगों ने बनाया वाला यूनिट था ओके। नेक्स्ट हमने देखा बेटा कि यहां पे यूनिट जो है, बाद में 1972 में, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बनाएगी, बुलाएगी पेरिस में, और उस पेरिस में डिसाइड हुआ कि हम लोग यही सिस्टम्स ऑफ यूनिट इस्तेमाल करेंगे, पूरा ब्रह्मांड करेगा, पूरा विश्व करेगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत होती है ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाया। तो उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल और डिरे यूनिट्स के बारे में बताया। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी समझते हैं, जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते ठीक है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका यूनिट मेजर करने के लिए जो लगेगा उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाए। मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या है, द यूनिट यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट। लेंथ के लिए मास है, सॉरी लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर केल्विन, तो ये लगते हैं। नेक्स्ट बेटा कौन से सात क्वांटिटी है, तो ये सात क्वांटिटी है, और इस सात क्वांटिटी को याद रखने के लिए मैंने टीटीएम कॉल बोला। टी टी एम कॉल, टी मतलब टाइम, टेम्परेचर है ना, एम मतलब मास, कॉल सी मतलब करंट, ए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ मतलब एल मतलब लेंथ, और दूसरा एल मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सात क्वांटिटी कभी भी हम लोग भूल सकते, इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इज सप्लीमेंट्री बेटा, प्लेन एंगल गिनते हैं, सॉलिड एंगल हम लोग गिनने वाले नहीं है। नेक्स्ट यहां पे डिराइव क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किसी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि दो या तीन फंडामेंटल क्वांटिटी अगर एक जगह पे आ जाए तो उसका फार्मूला बनता है, और जिसका फार्मूला बनता है उस क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि बेटा फोर्स, डेंसिटी, स्पीड है, डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट मेजर करने में काम आता है उसको डिराइव यूनिट्स बोलेंगे, जैसे कि इसके यूनिट मैंने यहां पे दिए है। नेक्स्ट बेटा इसके लिए साइन चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि फुल नेम अगर साइंटिस्ट का हो तो स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, अगर ओनली सिंबल इस्तेमाल करना है तो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। उसके बाद में बेटा यहां पे सिंबल फॉर ऑल जितने भी बाकी यूनिट है स्मॉल होना चाहिए, मीटर, सेकंड, ये स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। बाद में कोई भी यूनिट लिखना है तो प्यूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, 25 मीटर तो मीटर लिखो, मीटर्स मत लिखना, यस मत लगाना उसमें, करेक्ट है। उसके बाद में कई जगह पे हम लोग फालतू में डबल इनवर्टेड कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, वो ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट, कुछ ही नहीं लिखना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए, इन चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है। तो चलो बच्चों सभी को थैंक्स, इतने विजिटिंग किए, इतना लाइक्स मारे आप लोगों ने, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करते रहना पढ़ाई। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग नून ऐप, सॉरी मुकेश सर चैनल, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय, एंड मैथ्स के लेक्चर में भी मिलते हैं फ्रेंड्स। ओ तो सब लोग मिलते रहे ना, सर आप बहुत ही अच्छे पढ़ा, थैंक यू बेटा शुभम जी, थैंक यू, और मैं मजा आने वाला है, अभी तो थ्योरेटिकली पार्ट्स है,
फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट से भी थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल कुछ इंटरेस्टेड पार्ट अभी बाकी, ये तो हिस्ट्री जैसा पढ़ा है मैंने, है ना, मजा आने वाला है। तब तक लाइक करो और मिलते हैं, बाय एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग मुकेश सर चैनल।